आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर खालापार नई आबादी निवासी पीड़ित महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि दिनांक 5 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे मोहल्ला कस्साबान के आफताब फैसल सुल्तान पुत्र एसआर उर्फ भूरा ने मकान में घुसकर लाठी डंडे व देसी तमंचे से मार पिटाई शुरू कर दी। इस बीच बचाव में आए हमारे लड़के पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली न लगने के कारण अनमर की जान तो बच गई। इस दौरान उन्होंने हमारी लड़की के साथ भी गलत इरादे से कपड़े फाड़े व अश्लील हरकतें की। घटना के समय शोर शराबा सुनकर काफी लोगों के आने पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में हम लोगों ने थाना कोतवाली पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक थाने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट। आप आए थे, सुनवाई नहीं हो रही, 4 दिन हो गए आज कोतवाली के चक्कर काटते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हुआ था आपके साथ? और घर में घुस के हमें मारा सबको, लड़की के गिरवान पर हाथ डाला मेरे और डंडे लाठी बजाए। किसने बजाया? खाले पार के हेंगे हाजी दिलसाद के भतीजे। क्यों, क्या वजह थी? मारपीटाई जो आपके साथ करी गई, क्या वजह थी? बदतमीजी कर रहे थे। अब हमारे पे कैसे पैसों का लगा रहे, कोई पैसों का मामला नहीं है, बिल्कुल भी हिसाब किताब कुछ नहीं है, ना लेना देना है। क्या नाम है लड़के का जिन्होंने मारपीटाई करी? एक आफताब, एक फैसल। कब करी थी मारपीटाई? जुमे वाले दिन 11 बजे। घर में घुस के? जी। कोई नहीं था घर में? नहीं, मर्द नहीं थे हमारे बिल्कुल भी। तो थाने में गए थे आप? थाने में गए थे, सुनवाई नहीं हो रही और पूरे दिन बिठाओ रखा, 2 दिन लो, डॉक्टरी भी हुई मेरी और एक्सरा भी हुआ मेरा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी नहीं, कल लड़के को मारा जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें हाथ ना लगावे, हमारे साथ कोई बदतमीजी ना करे, हम भी खाए कमावे, हमारे लड़कों का खतरा हमें।